कृष्ण के जन्म के समय की एक कथा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जब वासुदेव जी श्री विष्णु अवतार कृष्ण जी के जन्मोपरांत वे गुप्त काली अंधियारी रात के समय यमुना पार बसे गोकुल धाम में जाकर सोती हुई मैया यशोदा के शयन कक्ष में छोड़कर लौट जाते हैं, ये सब शंकर भोलेनाथ देख रहे थे। तो उनको विचार आया कि प्रातः काल सबसे पहले मैं ही मिलने जाता हूँ श्री कृष्ण जी को। यह विचार कर कर उन्होंने एक योगी का रूप धरा। प्रातः काल के समय यशोदा मैया के द्वार पर जाकर खटखटाया। माँ ने बड़े सहजता से दरवाजा खोला। सामने खड़े जोगी को देखकर हैरान हुए और हाथ जोड़कर विनम्र होकर सिर झुकाकर जोगी को प्रणाम किया और बड़े सहज भाव से पूछा कि महाराज आपका आना कैसे हुआ। तब शंकर भगवान बोले, जो आपके आंगन में बालक है उससे मिलने का मेरा मन किया, तो मुझे उनसे मिलना है, तो आपसे विनती है कि मुझे उनके दर्शन करा दो। दर्शन तू शाम के करा दे, करा दे यशोदा। दर्शन तू शाम के करा दे। दर्शन तू शाम के करा दे यशोदा। दर्शन तू शाम के करा दे यशोदा। मैं नहीं हूँ बाल का दिखाना। प्रीत लगी चल के खेड़ते रहे असी दोनों जी रल के। प्रीत लगी दूरों आया मैं चल के खेड़ते रहे असी दोनों जी रल के। साडा तू मित्रा मिला दे यशोदा। दर्शन तू शाम के करा दे यशोदा। सर्प है काला, डर जाए देख में
दे यशोदा। दर्शन तू शाम के करा दे। नजर किया तेनू बालक नाथ वे तिरलो के कहावे। नजर किया तेनू बालक नाथ वे तिरलो के का नाथ कहावे। कंस कुमार गिरावे गिरावे यशोदा। दर्शन तू शाम के करा दे यशोदा।